राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ ने विभिन्न मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आजाद पार्क से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे विद्यार्थी मित्र शिक्षकों ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को पिछले 5-6 सालों से विपरीत परिस्थिति में न्यूनतम मानदेय पर शिक्षा का प्रसार प्रसार और सुधार का कार्य कर रहे हैं, फिर भी विद्यार्थी मित्र शिक्षकों के संबंध में सरकार स्पष्ट नीति का निर्माण नहीं कर रही, जो खेदजनक है। विगत 4-5 वर्षों से विद्यार्थी मित्र सरकारी विद्यालयों में अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। सरकार को 4-4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार को विद्यार्थी मित्रों की सेवाओं को देखते हुए निश्चित रूप से अब सोच लेना चाहिए, इनकी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। अब सरकार को विद्यार्थी मित्रों को नियमित कर देना चाहिए, परंतु सरकार विद्यार्थी मित्रों की अनदेखी कर रही है और विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने की वाली बात से पल्ला झाड़ रही है। इसी को लेकर आज हमने अजमेर संभाग में चेतावनी रैली निकाली है। निश्चित रूप से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचेगी और सरकार हमारी मांगों पर ध्यान देगी। बावजूद उसके अगर सरकार ने विद्यार्थी मित्रों को जल्द नियमित नहीं किया तो आने वाली 11 फरवरी को जयपुर में पूरे राजस्थान के 26,000 विद्यार्थी मित्र एकत्रित होकर पुनः एक चेतावनी रैली निकालेंगे और उसमें सरकार की ईंट से ईंट बजाने में पीछे नहीं रहेंगे। अभी हम तो ऐसी स्थिति में है कि घर पे बैठे हैं, ना तो हमारा कुछ जाने का ठिकाना है। सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को बोलते हैं आपको घर पे बैठना है, तो अब आप बता सकते हो हमारी क्या स्थिति है। अगर एक लड़की घर का काम चलाए तो कैसे चलाए, उसका परिवार भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं। अब आप बताओ, अगर सीएम साहब अगर इतने रुपए में अपना घर चला रहे तो हम एक 4,000 में घर चला के आज घर पे बैठे हैं। 4 साल से स्कूल में है, अब घर पे बिठा दिया, हम क्या करें, कौन सी जॉब में जाएं।